हेलो, वेलकम टू संजनाज वेज किचन। इतनी तेज गर्मी में बेल का शरबत एक वरदान है, तो चलिए एकदम सिंपल और इजी तरीके से बनाते हैं बेल का शरबत। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है बेल, इसे वुड एप्पल भी कहते हैं। ये चारों तरफ से बहुत ही हार्ड होता है, इसे चाकू से काटा नहीं जा सकता। या तो आप इसे पत्थर पर पटक के फोड़ लीजिए और या फिर मामदस्ते का जो ये मूसल आता है इससे फोड़ दीजिए। ये पका है कि नहीं ये देखने के लिए इसकी स्किन को देखिएगा। ये जो ऊपर वाला हार्ड वाला पोर्शन है ये हल्का येलो कलर का होगा। और ये देखिए हमारी बेल कितनी अच्छी निकली है। अब एक चम्मच की सहायता से इसका सारा पल्प निकाल के इस प्याले में डाल देते हैं। बेल टेस्ट में बहुत मीठा होता है, भाई मेरी बेल तो एकदम सॉफ्ट निकली है। ये इस तरह से पूरा खाली कर लीजिए। बहुत ज़्यादा चम्मच को खरोच के और इसका पल्प मत निकालिएगा, वरना कड़वा हो जाएगा आपका शरबत। और दूसरे वाले पार्ट से भी हम इसका पल्प निकाल लेते हैं। और ये आप देख सकते हो पूरा पल्प हमने निकाल लिया है। और अगर आप चीनी खाते हो तो इसमें अपने टेस्ट के अनुसार चीनी डाल लीजिए। आप इसमें शहद या गुड़ भी डाल सकते हो। मैंने इसमें 4 टेबलस्पून चीनी डाली है। अगर आप वेट लॉस के लिए बना रहे हो या फिर आप शुगर पेशेंट है तो इसमें चीनी मत डालिएगा। और इसमें डाल देते हैं 2 ग्लास पानी। अगर आपको जल्दी बनाना है तो इसमें पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते और हो। इसे पानी में अच्छी तरह से भिगो लेंगे और मैश कर देंगे। कभी कभी बेल थोड़ी हार्ड निकलती है, ऐसे में हम इसे 1 या 2 घंटे के लिए भिगो के रख देने से ये सॉफ्ट हो जाती है। आप एक मैशर की सहायता से भी इसे मैश कर सकते हो। वैसे भी ये बहुत आसानी से मैश हो जाता है, आप इसे छान के तुरंत भी पी सकते हो। मैं क्या करती हूँ, इसको 1 या 2 घंटे के लिए भिगो के छोड़ देती हूँ। इससे बेल की तासीर और भी ठंडी हो जाती है और ये पूरी तरह से पानी में घुल जाती है। ऐसा करने से ये कड़वा भी नहीं बनता है। और अब हम इसे छान लेंगे एक बड़ी चलनी की सहायता से। हमने इसे छानने के लिए थोड़ी सी मोटी जाली वाली चलनी ली है, क्योंकि ये पल्प थोड़ा मोटा होता है। छानने के टाइम पे एक बात का हमें ध्यान रखना है कि इसे जोर जोर से मसल के बिल्कुल भी नहीं छानना है, वरना आपका शरबत कड़वा हो जाएगा। बिल्कुल हल्के से इसे प्रेस करते हुए छानना है। और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे प्रेस करते हुए इसका सारा जूस निकाल लेंगे। इस जूस को मिक्सर जार में निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना जो बीज है वो पिस जाएंगे और उसका कड़वापन इस जूस में आ जाएगा। गर्मी के सीजन में अगर आप 1 ग्लास बेल का शरबत पी लें तो शरीर को बहुत ही ज़्यादा ठंडक पहुँचती है। इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच काला नमक और 1/2 नींबू का रस। आप चाहो तो इसमें 1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर भी डाल सकते हो। 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो, इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। बस बहुत ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। आप कितना गाढ़ा या पतला पीना चाहते हैं उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हो। और अब हम इसको ग्लास में सर्व कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी शरबत बना है ये, आप भी ज़रूर बनाइएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका बेल का शरबत कैसा बना है। जितने आपको आइस क्यूब्स पसंद है उतने आप इसमें ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप इसे थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हो। अगर लू लग जाए तो आप ये शरबत बना के दे सकते हो, बहुत ज़्यादा शरीर को ठंडक पहुँचती है। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।